देखिए इस सवाल को बनाने से पहले एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें आपको बताना है कि निम्न समीकरण युग्म जो है यह इसकी जो रेखाएं हैं वह प्रतिच्छेदी हैं कि समानांतर है कि समपाती है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, इस पर विचार कीजिएगा आप लोग। जैसे 3 फॉर्मूला लिखाया गया था ना, एक नंबर में लिखाया था a1 / a2 बराबर नहीं है b1 / b2 के। ठीक है, दूसरा लिखाया गया था a1 / a2 बराबर b1 / b2 बराबर c1 / c2। तीसरा लिखाया गया था a1 / a2 बराबर b1 / b2 बराबर नहीं है, हो गया ना। चलिए, तो तीनों फॉर्मूला के लिए आपको बताया गया था कि किस फॉर्मूले में कौन कौन सा नियम यूज होता है, है ना। चलिए, तो यहाँ a1 / a2 बराबर नहीं है b1 / b2, इसके लिए आपको बताया गया था कि इसकी रेखाएं जो होती है कौन सी होती है, प्रतिच्छेदी होती है। ठीक है, यानी कि यह फॉर्मूला जब यूज होगा तो इसका अर्थ है कि इसको निरूपित करने वाली रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अच्छा, इसमें आइए दूसरा में। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला जब यूज होगा तो इसका अर्थ यह होगा कि इसमें रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी, संपाती, हो गया ना। और तीसरा जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, यह फॉर्मूला जब यूज होगा रेखाएं क्या होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यह भी बताया गया था कि कौन फॉर्मूला कब यूज होगा, है ना। तो खैर पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें a1 / a2 b1 b2 c1 c2 का मान छाट लेंगे। अब सबसे पहले यहाँ देखिए, a1 का मान, रुक जाइएगा, ए का मतलब बताया था x का गुणांक, बी का मतलब y का गुणांक, और सी का मतलब अचर। ठीक है, और 1 का मतलब है पहला समीकरण, 2 का मतलब है इस तरह से a1 का मतलब हो गया पहले समीकरण में x का गुणांक। ठीक है, यहाँ देखिए पहला समीकरण यही ना है, x का गुणांक, x का पहले यहाँ कितना है, a1 का मान हो गया 5। ठीक है, अब आइए b1 का मतलब हो गया कि पहले समीकरण में y का गुणांक, तो y के बगल में यहाँ कितना है, -4, चिन्ह साथ में लेकर चलना है। ठीक है, c1 का मतलब हो गया c1, है ना, c का मतलब अचर पद, 1 का मतलब हो गया पहला समीकरण, अर्थात पहले समीकरण में अचर पद, अचर पद कितना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा a2 का मतलब हो गया दूसरे समीकरण में x का गुणांक, x के बगल में कितना है आपका, b2 दूसरा समीकरण में y का गुणांक कितना है आपका, c2 कितना है आपके, हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा, तो a1 / a2 बराबर, तो a1 है ना, a1 का मान कितना होगा, a2 का मान कितना होगा, ये तो नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। अब आ गया b1 / b2 बराबर, b1 का मान कितना हो गया, और b2 का मान कितना हो गया, काटिए, 2 × 4 -2/3। ठीक है, कॉमा c1 / c2 ना, बोलिए c1 का मान कितना हो गया यहाँ पर, 8, अब बट्टा कौन सी, हो गया, तो कुछ कटेगा नहीं। अब आपको यह सोचना है कि यह फॉर्मूला यूज होगा कि होगा कि, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे इसका मान निकला है 5/7, इसका निकला है -2/3, इसका निकला है 8/-9। ठीक है, तो यह तीनों पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो तीनों का जो मान है वह अलग अलग है। और आपको बताया था कि इस तीनों में जब कोई किसी के बराबर नहीं होता है, तीनों अलग अलग होता है, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग होता है। इस फॉर्मूले का प्रयोग कब होता है, जब तीनों बराबर, अर्थात a1 / a2 b1 / b2 और c1 / c2 तीनों का मान सेम आवे तब। और इस फॉर्मूले का प्रयोग कब होता है, जब कोई दो बराबर, यही ना सवाल है। चलिए, यहाँ ध्यान दीजिए, तो 5/7, -2/3, 8/-9, तीनों अलग अलग है। या क्लियर हो गया कि इस फॉर्मूले का प्रयोग होगा, होगा ना। तो नीचे लिखेंगे, चूंकि a1 / a2 बराबर नहीं है b1 / b2, इसलिए
इसको निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी होंगी बाबू? यहाँ लिख देंगे कौन सी परंतु छेदी होंगी। हो गया, बन गया सवाल, ठीक है। चलिए बाकी सब इसका जो दो नंबर तीन नंबर है सेम ऐसे ही बनेगा, बना के दिखाएंगे लोगों को।